करेंगे आज एक्सक्लूसिव चैनल पे आपके लिए बहुत स्पेशल टॉपिक है और स्पेशल गुफ्तगू है जो कि हमारे नॉर्दर्न एरियाज के बारे में है, जिसमें हमारा मरी आ जाता है और मुख्तलिफ इलाके हैं। आज जौन सा है, आज के दिन आज की तारीख में मैंने विज़िट किया है, तो मैंने मेरा दिल किया, मैंने कहा कि आज आपसे क्यों ना एक्सक्लूसिव चैनल के तरसल से आज आपके साथ इस बात पे बात की जाए और आज टॉपिक भी इसी को ही बनाया जाए, इसी पे ही बात की जाए कि हमारा नॉर्दर्न एरियाज का जो टूर है उस पे क्या देखने को मिला और क्या हासिल हुआ और क्या समझ में बात आई। फर्दर हम आगे भी वीडियोस बनाएंगे इंशाल्लाह ताला, आपके साथ बात करेंगे अबाउट नॉर्दर्न एरियाज के बारे में और भी सारी, और आज के जो एक्सक्लूसिव चैनल पे जो सीरीज़ चल रही थी टॉपिक्स के बारे में, जिसमें अच्छी अच्छी आपको बातें सीखने को मिलती थी और जो आप तक डिलीवर हम कर रहे थे, उसमें आज जो बात है, आज का जो लेसन जो टॉपिक है वो ये है कि जो लोग कहते हैं जी वर्ल्ड टूर करने चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, पर मैं उनको ये सजेशन करना चाहता हूँ कि हमारे मुल्क जैसा कोई मुल्क नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मुल्क में जो खूबसूरती, जो ब्यूटी है वो किसी और मुल्क में नहीं है। हमारे मुल्क में बहुत नेचर है, बहुत सब कुछ है, ये देखिए आप व्यू, अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह, देख के दिल खुश होता है कि ये वादियाँ, ये देखिए, ये देख सकते हैं आप सब, ये व्यू देखें कितने प्यारे हैं, ये आप देखें। तो हमें, हम सबको चाहिए कि हम क्यों ना हम अपने मुल्क को हर हाल में, हमारे मुल्क में हमें हर चीज़ मैसर है, हम सबको चाहिए कि हम अपने मुल्क को और ख़ूबसूरत बनाएं। वो हर तरह से है, आप अक्सर आज मैं आते हुए देख रहा था रास्ते में कि लोग सड़कों पे कूड़ा करकट गंद फेंक रहे हैं, और एक बोर्ड पे लिखा हुआ था कि सड़क को साफ़ रखें, हाईवेज़ को साफ़ रखें, पर लोग कंटिन्यूसली कर रहे थे। लेकिन यही चीज़ जो उनसी है, ये चीज़ हम में नहीं होनी चाहिए, ये हमारे माशरे की, मैं अब कह लूँ कि एजुकेशन की कमी कह लें आप, वो ज़रूर हो सकती है, लेकिन इतने खूबसूरत सड़कें हैं, इतने खूबसूरत रोड्स हैं, आप मरी की तरफ आते हैं कारपेटेड रोड्स हैं, तो उनको खूबसूरत हमने ही बनाना है ना। हम लोग अगर उसमें गंद फेंकेंगे, कूड़ा फेंकेंगे, चीज़ें फेंकेंगे, तो वो खूबसूरती में हट जाएगा। हम सब का फ़र्ज़ बनता है कि हमें उस चीज़ को साफ़ रखना चाहिए और कूड़ा दान में कूड़ा करकट फेंकना चाहिए, ना कि रोड्स पे फेंकना चाहिए। और आप को जितनी भी हसीन, मैं कहता हूँ माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक ने हम सबको इतनी खूबसूरत नेमतों से नवाजा है। ये देखिए माशाल्लाह बारिश हो रही है, बहुत अच्छा मौसम है, तो मैंने कहा कि आज मैं अपना आगाज़, ब्लॉग का जो आगाज़ है वो यहाँ से करूँ कि हमें जौन सा है अपने मुल्क को और संवारना है और अच्छा बनाना है, और वो हम बजाते खुद हमारा फ़र्ज़ बनता है कि वन पर्सन होकर हर एक इंसान का फ़र्ज़ है कि वो अपने मुल्क को साफ़ रखे और उसकी खुशहाली के लिए दिन रात एक करे, चाहे वो छोटी से छोटी कंट्रीब्यूशन कर ले, कोई इतनी बड़ी नहीं बात कि वो मैं अब ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ, ना कि वो सब, हम सबको चाहिए कि हमें कंट्रीब्यूशन करनी चाहिए कि जितना हमसे हो सके हमें सफाई की तरफ होना चाहिए, हमें चाहिए कि हम साफ़ सुथरे एरियाज़ को और साफ़ सुथरा एरिया बनाएँ और नीट एंड क्लीन रहें, खुद भी रहें और अपने मुल्क को भी नीट एंड क्लीन रखें, और इन वादियों की खूबसूरत नज़ारों को हम सबको चाहिए कि हमें लुत्फानंदोज़ होना चाहिए और यहाँ पे आना चाहिए, मरी आएँ आप, नथिया गली जाएँ, ये सब एरियाज़ ऐसे एरियाज हैं, फैमिलीज़ के साथ आप विज़िट करें तो आपको खूबसूरतियाँ, खूबसूरत नज़ारे देखने को मिलेंगे। तो ये अल्लाह ताला की नेमतें हैं जो जिनका हमें लाखों करोड़ों अरबों पर शुक्र अदा करना चाहिए। और कल इंशाल्लाह ताला मेरा विज़िट है पीसी बूरबंद का भी, तो इंशाल्लाह वहाँ भी आपसे मैं अच्छा सा कोई लेसन, अच्छी सी कोई बात, उस पे भी इंशाल्लाह एक्सक्लूसिव चैनल पे हम आपसे उस पे भी कोई ना कोई आपको बात बताएंगे कि हमें क्या करना चाहिए और क्या वहाँ के भी नज़ारे आपको दिखाएँगे, वो भी नेचर के क्या वहाँ पे क्या है, क्या किस तरह इन हम सबको हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम क्या करें, क्या करना चाहिए इस मुल्क के लिए, हमें हमारी क्या कंट्रीब्यूशन बनती हैं, तो ये सब इंशाल्लाह ताला हम आपसे शेयर भी करेंगे, आपको दिखाएंगे भी। और बाकी इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला आपका ईमान में रखे आप सबको, आप सब अल्लाह ताला के ईमान में रहें, और बाकी इंशाल्लाह ताला आपसे ज़रूर
कल भी इंशाल्लाह मैं अगर किसी बोलबन का विज़िट होता है तो ज़रूर आपसे इंशाल्लाह शेयर करेंगे वहाँ की भी बात, वहाँ भी कोई अच्छी बात। तो आज जो मैंने नोटिस किया तो आप लोगों के साथ मैंने कहा वीडियो शेयर कर लूँ, तो वो आज मैंने नोटिस ये किया क्योंकि आज मैंने वीडियो भी बनानी थी और आज आपके साथ एक्सक्लूसिव चैनल पे टॉपिक्स भी शेयर करने थे, तो आज का कंटेंट ही मैंने ये सोचा, मैंने कहा यार आज जो है ना, आज मुझे मेरे दिल ने कहा कि आज मैं इस बात पे बात करूं, क्योंकि मैंने आज अपनी आंखों से देखा कि यार एक सड़क पे लिखा है कि रोड को साफ रखें, क्लीन रखें, और उधर ही हम जैसे लोग, हमारी आवाम, मैं कहता हूं कि इंसान क्या उधर वहाँ पे कूड़ा करकट, ये गलत बात है। इंसान को चाहिए, उसको हर बंदे की कंट्रीब्यूशन है कि हर चीज़ को साफ सुथरा रखना चाहिए। हमारी गवर्नमेंट हुकूमत ये तो वो तो रोड्स बना देती हैं, कारपेटेड है, लेकिन आवाम का फ़र्ज है, लोगों का फ़र्ज है कि उसको गंद ना फैलाएं, उस पर कूड़ा करकट ना फेंकें, बल्कि उसको साफ और सुथरा रखें, क्योंकि उनकी नस्लों ने, उनकी जनरेशन ने आगे उन सड़कों पर चलना है और वो देखना है, वो नज़ारे देखने हैं। तो उम्मीद करता हूँ आज का जो कॉन्टेंट है, आज की जो बात है, आज जो मैंने खूबसूरत लेसन आप लोगों के लिए निकाला है, उसको आपको पसंद आया होगा। इंशाल्लाह ताला फिर आपके साथ न्यू वीडियो में इंशाल्लाह हाजिर होंगे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। आप सब अपना ख्याल रखें, आप सब खुश रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। आमीन, अल्लाह हाफिज़।